यहाँ आप देख सकते हो कार स्टार्ट हो गई है। हेलो दोस्तों, टेक्निकल अमर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मर्सिडीज बेंज एएमजी C63 एस कार का मॉड इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कार मोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ ओपन एवी की ज़रूरत होगी। उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन एवी को इंस्टॉल कर लीजिए। ओपन एवी को इंस्टॉल करने के बाद इस कार मोड को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कार मोड को डाउनलोड करने के बाद आपको ऐसे दिखाई देगा, इसको चेक कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर आएगा, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद ऐड ऑन में जाइए। उसके बाद SCC4 TLC पैक्स, उसके बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मॉड्स का फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। अगर आपके पास मॉड्स का फोल्डर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस अपडेट फोल्डर को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मॉड्स के फोल्डर में पेस्ट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस मॉड्स फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद अपडेट में जाइए। उसके बाद SCC4 DLC पैक्स, उसके बाद एक्सा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ C63W205 का एक फोल्डर दिख रहा है ना, इस फोल्डर को GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। GTFI DLC पैक्स में ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को क्लोज कीजिए। उसके बाद एशिया किया वो फोल्डर पर बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ रेडमी का एक टेस्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आपको एक लाइन मिलेगी, आइटम DLC पैक्स C63W205 आइटम। इस लाइन को कॉपी कीजिए। इस लाइन को कॉपी करने के बाद बैक आ जाइए। बैक करने के बाद ओपन एवी को ओपन कीजिए। ओपन एवी ओपन होने के बाद एडिट मोड पर क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट, update.rpf, कॉमन डाटा। उसके बाद नीचे जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC लिस्ट XML का एक डिजिक रहना स्टेज को राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ लास्ट में कॉपी की हुई लाइन को पेस्ट कीजिए। कॉपी की हुई लाइन को लास्ट में पेस्ट करने के बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों, हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों, GTFI ओपन करने के बाद आप कौन से भी ट्रेनर से इस कार को स्पॉन कर सकते हो। यहाँ आपको इस कार का मॉडल नेम आपको मैनुअली टाइप करना होगा, C63W205। इतना टाइप करने के बाद एंटर कीजिए। तो दोस्तों, हम देख सकते हो मर्सिडीज बेंज AMG C63 कार आ गई है। यह आप देख सकते हो। ओ भाई साहब, यह आप देख सकते हो कार आ गई है। यहाँ हम देख सकते हो इस कार का इंटीरियर, खतरनाक इंटीरियर है। मर्सिडीज का लोगो, AMG की बैजिंग, C63S की बैजिंग। ओ भाई साहब, चलो अब हम इस कार को ले लेते हैं।
मैं आपको इस कार का साउंड फिर से सुना देता हूँ। ये आप देख सकते हो, कार स्टार्ट हो गई है। ओ भाई साहब, इसके हेडलाइट्स, ओ भाई साहब, मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। ओ भाई साहब, ये हम देख सकते हो उस कार का इंटीरियर। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, खतरनाक साउंड है। चलो मैं इस कार के सब डोर्स को ओपन कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो, मैंने इस कार के सब डोर्स को ओपन कर दिया है। ये आप देख सकते हो। ओ भाई साहब, ये आप देख सकते हो उस कार का इंजन। चलो मैं इस कार के सब डोर्स को क्लोज कर देता हूँ। चलो अब हम इस कार का नेट का लुक देख लेते हैं। ओ भाई साहब, ये हम देख सकते हो इस कार का नेट का लुक, इसके हेडलाइट्स, इसके DRL सब देख सकते हो। ओ भाई साहब, इसके इंडिकेटर्स, इसके हेडलाइट्स, ओ भाई साहब, चलो अब हम इस कार का साउंड और इस कार की टॉप स्पीड को टेस्ट करते हैं। वन फोर्टी, 150, 160, 175, 185, 190, 199, 200, ब्रेक्स, ब्रेक्स भी मस्त है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।